दोस्तों फोर्ट कॉमिक्स में अधिकतर कॉमिक्स तो हॉरर कॉमेडी और जासूसी सीरीज की रही हैं, लेकिन सुपर हीरो जॉनर की कुछ कॉमिक्स को आज भी याद किया जाता रहा है। कुछ स्टोरी काफ़ी आइकॉनिक रही, जैसे कि गदर, जो कि एक मल्टी स्टोरर डाइजेस्ट थी। वैसे ही कई कॉमिक्सें ऐसी भी थी जिनमें किसी सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इनकी दोबारा कोई सिंगल इशू भी नहीं आई। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें, और आज हम फोर्ट कॉमिक्स के कुछ सिंगल इशू वाले सुपर हीरोज़ की बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम ऐसे ही कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लिस्ट में हम पहला नाम लेते हैं सुपरनोवा का। सुपरनोवा पहले सेट में आने वाली कॉमिक्स इशू नंबर 2 सुपरनोवा और मौत का देवता में दिखाई दिया। सुपरनोवा का गेटअप बैटमैन जैसा दिया गया था, लेकिन साथ ही उसे ढेर सारी सुपर पावर दिखाया गया, जैसे मैग्नेटिक पावर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और फ्लाइंग पावर। इस कॉमिक्स में सुपरनोवा की टक्कर ब्लैक कोबरा नामक विलेन से होती है। दूसरा नाम हम लेते हैं हलाकू का। फोर्ट कॉमिक्स के सेकंड सेट में इशू नंबर 12 नीला केकड़ा और हलाकू में हलाकू को इंट्रोड्यूस किया गया। एक सुपर पावर से लैस सुपर हीरो बताया गया, जिसमें फ्लाइंग पावर और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की पावर भरी हुई है। इसका सामना होता है नीला केकड़ा नामक एक अपराधी से। अगला नाम है खगेश का। फोर्ट कॉमिक्स में इशू नंबर 44 खगेश नामक कॉमिक्स में एक अनोखे सुपर हीरो को बताया गया, जो कि राज कॉमिक्स के भोकाल की ही तरह पंखों वाला था। खग यानी कि पक्षी लोक का राजकुमार अपने लोक की तबाही और माता पिता के हत्यारे की खोज में पृथ्वी पर आता है, और अपने कुलगुरु की दी हुई महाशक्तियों की सहायता से वह राक्षस मणिकासुर से टकराता है और उसका अंत भी करता है। लिस्ट में अगला नाम है गुफीना का। इशू नंबर 45 गुफीना कॉमिक्स में गुफीना नाम की लेडी सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया गया। अपने ग्रह मूलर की राजकुमारी गुफीना अपने ग्रह में चल रहे युद्ध के कारण पृथ्वी पर आ पहुंचती है और पृथ्वी पर सूबिया के साथ यही भारत देश में रहने लगती है। लिस्ट में अगला नाम है लावण्या का। लावण्या इशू नंबर 54 कॉमिक्स लावण्या में दिखाई दी। लावण्या नाम की फीमेल सुपर हीरो को सिवलिया द्वीप की राजकुमारी बताया गया। माता पिता को सेनापति कुंबाल के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद लावण्या जेल में ही रहकर अपनी योग विद्या से जहरीली बिच्छू की पावर प्राप्त करती है, और फिर वह उसी पावर के चलते सेनापति कुंबाल से अपना राज्य वापस लेती है। इशू नंबर 54 जिधर देखो मौत है कॉमिक्स में ऑक्टोपस नाम के सुपर हीरो को दिखाया गया। प्रिंस वाल ग्रह का वासी रेबेक्स अपने ग्रह में हमले के बाद पृथ्वी पर आ पहुंचता है, और प्रोफेसर संकरण की मदद से वह एक क्राइम फाइटर बनता है। प्रोफेसर संकरण उसे एक नया नाम अरुण देते हैं, और उसके ऑक्टोपस जैसे 8 हाथों के कारण उसका नाम ऑक्टोपस भी पड़ जाता है। उसे सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वह अपनी भारत देश में एक सुपर हीरो बनता है। इशू नंबर 38 गद्दार कॉमिक्स में सीक्रेट एजेंट हुमायूं को बताया गया है। साथ ही काफ़ी बढ़िया स्टोरी के साथ एक्शन पैक यह स्टोरी रही थी, जिसमें एक फॉर्मूले के कारण सारा झगड़ा होता है। इसके बाद आता है इशू नंबर 48 त्रिनेत्र कॉमिक्स में तीन बाल जासूस गौरव, सौरभ और श्रेया के बारे में बताया गया, जिनके ग्रुप का नाम त्रिनेत्र है। इस कॉमिक्स में ये तीनों ही अपने तीन पालतू साथियों शेरू, बहादुर और मनमौजी के साथ एक केस को हल करते हैं। इसके बाद अगला नाम है एजेंट शिवा का। सी फांगजी कॉमिक्स में एजेंट शिवा का इंट्रोड्यूस हुआ। सीक्रेट सर्विस के एजेंट शिवा की टक्कर सी फांगजी नामक अपराधी के साथ होती है। इस कॉमिक्स में हॉरर फैंटेसी के साथ ही एक्शन और एडवेंचर का तगड़ा डोज दिया गया है। इस लिस्ट में आखिरी नाम है अद्रिराट का। अद्रिराट इशू नंबर 55 अद्रिराट कॉमिक्स में अद्रिराट नाम के सुपर हीरो को दिखाया गया। वह लागोन द्वीप पर वहां के तानाशाह को ख़त्म करता है। इस कॉमिक्स में अद्रिराट को एक शानदार योद्धा बताया गया है।
तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे किरदार जो कि केवल एक ही कॉमिक्स में नज़र आए हैं, दोबारा इनकी कॉमिक्स नहीं आई, जबकि अजय राट और ऑक्टोपस जैसे किरदार को और भी आगे बताने की ज़रूरत थी। अगर आपने भी इन सभी कॉमिक्स को पढ़ा हो तो इनके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपको मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।